guess I just wanna go, go, go to the deep end. Hello, student interviews में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा खबर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ, और इतने दिन से आप लोग इतना प्यारा सपोर्ट दे रहे, तो मैंने सोचा यार आज कर ही देते। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सपोर्ट के लिए जिल्ले इलाई वाला सलाह। पोल की बात करें दोस्तों, हमने आपसे पूछा था कि आपके हिसाब से बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन कौन सा है 2020 का। केस आईनी की तरह साफ है। जी हाँ, Asus ROG Phone 3 पर सबसे ज्यादा वोट्स आए, और ये हमारा फाइनल पोल था स्मार्टफोन कैटेगरी से रिगार्डिंग, और इसका वीडियो आएगा बहुत ही जल्दी। थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आपको बस हंसना ही है और क्या करना है। वैसे आज हमने दो वीडियो अपलोड कर दिया है जज्बात में आके, Infinix Smart HD 2021 और साथ में Xiaomi का लेटेस्ट Mi QLED TV है, तो आप जाके देख लेना और आज की वीडियो को लाइक करिए। 50,000 नहीं पहुंच रहे यार, कुछ खफा हो गए मुझसे? नहीं ना, लाइक करिए और फटाफट से आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करेंगे क्वालकॉम से। क्वालकॉम की नंबरिंग ना हमारे भेजे के ऊपर से जाती है। उन्होंने हाल ही में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 एक नया प्रोसेसर अनाउंस कर दिया है बजट स्मार्टफोन्स के लिए, और ये जो चिपसेट है ये 2018 वाला स्नैपड्रैगन 675 जो था उसका सक्सेसर है, जो हमें काफी बजट फोन्स में देखने को मिला था। अब इसमें कुछ नया नहीं है, ये 5G लेके नहीं आया, ये 4G ही है। सेम क्रायो 460 कोर से, ये भी 11 nm पर है, और Adreno 612 सेम GPU है। बस क्लॉक स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, 2.2 GHz कर दिए। कनेक्टिविटी में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, AI में और कैमरे में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स उन्होंने किया है, और एक नया चिपसेट बोलकर लॉन्च कर दिया है। तो ये काई को करते ऐसा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक टाइम पर हमें सिर्फ स्नैपड्रैगन ही दिखते थे, लेकिन आज मैं गर्व से कहूंगा कि इनको MediaTek से ना कुछ सीखना चाहिए। आईकू जी हाँ, IQ 7 हमें इंडिया में IQ 3 मिला है, IQ 5 पता नहीं कहाँ गया, जो चाइना में इस साल ही लॉन्च हुए थे IQ 5 और 5 Pro, और अभी दोस्तों IQ 7 की यहाँ पर बातें हो रही है। जी हाँ, मतलब Vivo का एक फोन है, एक मॉडल नंबर है, जो 3C सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ है चाइना की, और ये बताया जा रहा है कि ये IQ 7 हो सकता है, जिसमें 120 वॉट फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा। आईकू वाले क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आईकू 3 अच्छा खासा फोन है, आईकू 5 लेके आइए, नहीं आईकू 7 पर यहां पर बातें हो रही है जो यहां पर लिस्ट हुआ है। वैसे क्या लगता है दोस्तों आपको आईकू के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। सैमसंग की तरफ से दोस्तों एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और ऐसा समझ लीजिए ये ऑफिशियल खबर है, जहां पर सैमसंग के जो मोबाइल चीफ है उन्होंने ऐसा बताया कि अगले महीने उनका एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, और वो ऐसा हमें हिंट दे रहे हैं कि सैमसंग S21 सीरीज लॉन्च होने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया कि जो S Pen का सपोर्ट हमें जो गैलेक्सी नोट सीरीज में मिलता था, अब वो सिर्फ उस पर ही एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे भी फोन्स में हम उसको लेके आएंगे, यानी कि जो S21 सीरीज होगी उनमें मिल सकता है, या मे बी सैमसंग के जो फोल्डेबल फोन्स आएंगे उसमें भी हमें S Pen का सपोर्ट मिलेगा। और उसके अलावा हाल ही में S21 वाला ये जो फोन है, ये Geekbench पर लिस्ट हुआ था Exynos 2100 प्रोसेसर के साथ में, और ये जो चिपसेट है ऐसा बताया जा रहा है कि Snapdragon जो 888 है उसके टक्कर का ये चिपसेट है। जी हाँ, मतलब अब फाइनली हम Exynos के फ्लैगशिप प्रोसेसर को Snapdragon के फ्लैगशिप से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा यहां पर लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस नए चिपसेट के लिए सैमसंग के, जब आएगा तो देखते। और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी का जो M62, ये जो नया टैबलेट है, इसकी प्रोडक्शन यहां पर स्टार्ट हो गई है, जो मे बी 2021 की फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिल सकता है। बहुत एक्साइटेड हूं, सैमसंग के बहुत प्लान से आएंगे, सब कुछ आपको उसके बारे में बताएंगे। मानो या ना मानो दोस्तों, GTA 6 ये गेम के फैन मोस्टली सभी हो गए, और जितने गेमर्स हैं उनको इसके बारे में पता है कि ये गेम क्या है, और मेरे ख्याल से ये रॉकस्टार का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड गेम है, जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं। और मैंने आपको थोड़े टाइम पहले टेक्नोस में बताया था ना कि रॉकस्टार ने ऐसा हमें हिंट दिया था ईस्टर एग्स वगैरह, जिसमें GTA 6 दिखाई दे रहा था। अब बड़े बड़े टिप्सटर्स यहां पर ये बोलते हैं कि भाई GTA 6 जो है, जैसे हम सोच रहे थे कि लेट आएगा, वैसे नहीं, बल्कि उससे काफी जल्दी हमें ये गेम देखने को मिल सकता है। तो शायद 2021 ही एक ऐसा साल होगा जिसमें फाइनली हमें GTA 6 मिलेगा, और मे बी मिड में हमें ये गेम देखने को मिल सकता है, या कुछ ऐसी अनाउंसमेंट दोस्तों इस गेम से रिगार्डिंग हो जाएगी, तो जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और यही हम उम्मीद करते हैं। मतलब रॉकस्टार के अगर आप बड़े बड़े गेम्स देखोगे तो उनमें बहुत सारा गैप होता है, ईयरली गैप होता है 6-7 साल का, और GTA 5 के बाद GTA 6 में भी काफी बड़ा गैप है, तो बहुत ही जल्दी दोस्तों ये गेम हमें मिल सकता है। वैसे आप जरूर से बताना दोस्तों, क्या आप GTA 6 के लिए एक्साइटेड है, आप कमेंट करके बता सकते हैं।
वैसे इंडिया के अंदर जनवरी में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफी सारे Realme के फोन्स आने वाले हैं, तो अब यहाँ पर मुकुल शर्मा ने इससे रिगार्डिंग ट्वीट कर ये बताया कि Narzo 30 सीरीज तो हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ में Realme 8 सीरीज भी दोस्तों जनवरी में इंडिया में आने वाली है। जी हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस बार वो लोग अब सब फोन्स में 2021 में उनके जितने भी फोन्स आएंगे उनमें वो लोग आपको 5G देंगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डायमंड सिटी वाले प्रोसेसर अनाउंस हो गए और स्नैपड्रैगन में भी है, तो हाँ ऐसा मुझे यहां पर भी ऐसा लगता है कि Realme के बहुत बड़े प्लान्स हैं। और मेरे पास एक इतना बड़ा पता नहीं, हाँ ऐसे कुछ डब्बा आया है Realme की तरफ से, गेस क्या हो सकता है, आप कमेंट करके देखो बताइएगा। आपने स्किप किया तो आज मैंने फॉरगिव किया। आज मैं कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि आज की जो खबर है पबजी मोबाइल इंडिया से बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट है और ऑफिशियल ही समझ लीजिए, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जवाब दिया है। जी हाँ, जवाब दे दिया है। इतने टाइम से पबजी कॉर्पोरेशन जो है वो उनके मीटिंग के लिए वेट कर रहा था कि आप मीटिंग करिए और ग्रीन सिग्नल दीजिए ताकि हम गेम को इंडिया में वापस लॉन्च कर दें। तो ऐसे दोस्तों एक RTI क्वेरी गई उनके पास, किसी ने पूछा कि भाई इस गेम को आप इंडिया में कब लॉन्च करने देंगे, ये गेम क्यों लॉन्च नहीं हो रही है, और ये क्वेरी 30 नवंबर को पूछी गई थी MEITY से। उन्होंने बताया, हमने पबजी मोबाइल इंडिया को अभी कोई भी परमिशन नहीं दी है इंडिया में लॉन्च होने के लिए, ये ऑफिशियली हमें पता चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो फाइनली उन्होंने जवाब दे दिया है कि अभी कोई परमिशन हमने नहीं दी है। एक बुरी खबर है, इसका मतलब वक्त लगेगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हम देंगे नहीं, उन्होंने कहा नहीं दिए, इसका मतलब वक्त लगेगा। इतना जल्दी अब आपको PUBG मोबाइल इंडिया देखने को नहीं मिल सकता है, जहां तक ऐसे ही लग रहा है शायद 2021 के अंदर भी हमें थोड़ा और वक्त लग जाए। अब लाइक करिएगा, नाराज मत होइएगा क्योंकि मैं तो खबर देता हूं, मेरा वही काम है, और दुआ करते हैं कि गेम जल्दी आ जाए। क्या आपको पता है कि दोस्तों आज के दिन यानी कि 16 दिसंबर को अमेरिका में 2003 में स्पैम और जंक जो ईमेल आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया गया, लेकिन वो आते ही ढीला पड़ गया क्योंकि ज्यादातर जो उस टाइम पर ईमेल्स आ रहे थे जो स्पैम और जंक वाले थे वो पॉलिटिकल काम के लिए थे। आज की रेड्यूज में खत्म, उम्मीद करता आपको आज की रेड्यूज पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।